Hello everyone. Here we'll be starting with History Class 9, Chapter 1, The French Revolution. So welcome to our channel, Educational Tips. In this video, we'll be studying outbreak of the revolution. ठीक है, revolutions कैसे start हुई? In the previous video, we have studied कि king ने क्या कर दिया था? King ने decision दिया था to increase the taxes. So अब यहाँ से हम देखेंगे कैसे start हुई revolution की. तो King Louis 16 हमने देखा किंग लुई 16 ने क्या बोल दिया कि टू इंक्रीज द टैक्सेस. किंग ने बोला कि मैं टैक्स इंक्रीज कर रहा हूँ और उसने डिसीजन दे दिया टू इंक्रीज द टैक्सेस. बट किंग जो था वो अकेले टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता था. ही हैड टू कॉल अपॉन अ मीटिंग दैट वॉज नोन एज एस्टेट जनरल मीटिंग. जिस मीटिंग में क्या होता था, तीनों एस्टेट्स के जो मेम्बर्स होते थे वो आते थे, अपना डिसीजन देते थे और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता था. तो किंग अलोन कैन नॉट टेक द डिसीजन, उसके लिए एस्टेट जनरल मीटिंग कॉल्ड अपॉन होनी ज़रूरी थी. अब किंग ने क्या किया, किंग को टैक्स इंक्रीज करने थे, उसने डिसीजन तो दे दिया, तो उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए ही हैड टू कॉल अपॉन अ एस्टेट जर्नल मीटिंग. सो ऑन 5th of May 1789 को एक एस्टेट जर्नल मीटिंग कॉल करी गई जिसका पर्पस क्या था, टू इंक्रीज द न्यू टैक्सेस. ठीक है, टू कम अपॉन विद न्यू टैक्सेस एंड और टू इंक्रीज द टैक्सेस. इस पर्टिकुलर मीटिंग में देखो क्या कितने 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से 300 लोग आए थे. फर्स्ट से 300 आए थे और सेकेंड से 300 आए थे. दोनों स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, बट 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट से कितने आए थे, ऑलमोस्ट 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे. जो जिसके पास मीटिंग में क्या होता था कि एक स्टेट से, वन स्टेट इज इक्वल टू वन वोट, एक स्टेट का एक वोट होता था. एंड द थर्ड स्टेट पीपल वर नॉट, वो नहीं चाहते थे कि वन स्टेट शुड बी हैविंग वन वोट. ठीक है, वो चाहते थे कि द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट चाहते थे कि वन मेंबर शुड हैव वन वोट, एक मेंबर का एक वोट हो. और ये प्रपोजल उन्होंने आगे किंग के सामने रखा भी. देखो यहाँ पे लिखा है where the king had to be conducted as each state is equal to one vote. Decision कैसे लिया जाता था कि एक state का एक vote हो, but क्योंकि third state के members comparatively ज़्यादा थे तो third state चाहता था कि ऐसा ना हो but एक member का एक vote count किया जाए. So members of third state demanded one member is equal to one vote. But king ने क्या किया, king ने इनका ये decision reject कर दिया. And now they walked out of the assembly hall in protest. तो थर्ड स्टेट के जो मेम्बर्स थे दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली हॉल, स्टेट जनरल मीटिंग से वॉकआउट कर गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया. ठीक, अब फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली. अब जैसे ही वो वॉकआउट करके प्रोटेस्ट करने गए तो उन्होंने ऑन 20th June 1789 थर्ड स्टेट मेम्बर्स गैदर्ड इन टेनिस कोर्ट इन वर्सलीज. वो जाके कहाँ इकट्ठा हुए, टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा हो गए. एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व्स नेशनल असेंबली, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. और उन्होंने क्या ड्राफ्ट किया, उन्होंने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, किंग की पावर लिमिट कर दी. सो हेयर कम्स द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली. यहाँ से स्टार्ट हुई नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन, जिसमें क्या था, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ जिसमें किंग की पावर्स को लिमिट कर दिया गया. और इस पर्टिकुलर थिंग को, रिप्रेजेंटेशन को कौन हेल्प कर रहा था, मिरेबू एंड अबू सीरीज. मिरेबू वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली एंड अबू सीरीज वॉज अ प्रीस्ट हु ऑल्सो रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट. ये दोनों अपर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे एंड दे वर सपोर्टिंग दीज पीपल, थर्ड स्टेट पीपल. नाउ लेट्स सी दिस इन द बुक इटसेल्फ, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. कैसे रिवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ, किंग लुइस ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे. ठीक है, दिस यू कैन रिलेट टू द वन वी हैव स्टडीड राइट नाउ. ठीक है, किंग लुइस ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए. फिर उसके बाद क्या हुआ, मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज द टैक्सेस. मोनार्च के पास पावर नहीं थी कि वो अकेले इम्पोज टैक्स, मतलब टैक्स को इम्पोज कर सके. उसने क्या किया, एस्टेट जनरल मीटिंग बुलाई. एस्टेट जनरल मीटिंग बुलाई तो जिसमें तीनों एस्टेट्स के मेंबर आते थे. ठीक है,
कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, ताकि वो न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास कर सके। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई मोर देन प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेम्बर्स। थर्ड स्टेट में को कौन रिप्रेजेंट करता था, वहाँ के एजुकेटेड और प्रॉस्परस मेंबर्स रिप्रेजेंट करते थे। और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आए। और जो बाकी थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स बचे हुए थे जो पीजेंस आर्टिशंस थे, वो असेंबली हॉल में नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने 40,000 लेटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को लिख के दिए, जिसमें उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स और अपने ग्रीवियंसेस लिखे। अब जो वोटिंग कंडक्ट होती थी स्टेट्स में वो कैसे होती थी, यहाँ पे वो बताया गया है। ईच स्टेट हैज़ वन वोट, एक स्टेट का एक वोट होता था। बट द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड वोटिंग टू बी कंडक्टेड एज ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। थर्ड स्टेट्स के मेंबर चाहते थे कि वोटिंग कैसी हो, ईच स्टेट का एक वोट ना हो के ईच मेंबर का एक वोट हो। और ये पर्टिकुलर थिंग कहाँ से ली गई है, किसके थ्रू? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रोजियो की जो बुक है, जिसमें उन्होंने क्या डिमांड किया, द डिमांड फॉर इक्वल राइट्स, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट ड्राइव किया गया है। ठीक है, अब नाउ द थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव व्यूड देमसेल्व्स अ स्पोक पर्सन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। अभी जो थर्ड स्टेट्स मेंबर्स थे ना, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, ये सोचते थे कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पूरे सारे फ्रेंच के लोगों को जो नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, सो दीज पीपल वर ऑल्सो सपोर्टेड बाय मिरेबू एंड अबू सीरीज। ठीक है, मिरेबू वॉज अ पर्सन बॉर्न इन द नोबल फैमिली एंड अबू सीरीज वेयर ही वॉज अ प्रीस्ट एंड ही ऑल्सो रोट अ बुक और अ पैम्पलेट कॉल्ड द थर्ड स्टेट। नाउ द स्टार्टिंग ऑफ द रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुई, जैसे ही नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया तो फ्रांस वॉज इन द कंडीशन ऑफ टर्मोइल। फ्रांस एक टर्मोइल की कंडीशन में था, बहुत दुविधा की सिचुएशन में था। कैसे, हमने सब्सटेंस क्राइसिस की सिचुएशन पढ़ी है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया था, प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो गए थे। तो इट वॉज अ टाइम ऑफ विंटर, विंटर में क्या हुआ था, हार्वेस्ट जो थी वो, यानी कि सप्लाई ऑफ क्रॉप वो डिक्रीज हो गई थी। विंटर की वजह से क्रॉप्स ख़राब हो गई थी, तो मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रही थी क्रॉप्स। देयर वर क्राइसिस इन द कंट्री। ठीक है, इसीलिए किंग ने ट्रूप्स को, रेफर टू द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, किंग ने ट्रूप्स को बोला था कि जाओ जाके सिटी ऑफ पेरिस में मूव करो और देखो हाउ इज द सिटी गोइंग थ्रू ऑल द क्राइसिस। ठीक है, सो देयरफॉर द किंग ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी ऑन 14 जुलाई 1789। एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द किंग वॉज मिस इंटरप्रेटेड बाई द पीपल, एंड द पीपल थॉट कि किंग ने क्या बोला है, किंग ने बैटल के लिए बोल दिया है, किंग ने बोल दिया है टू फायर अस अपॉन द पीपल, किंग ने ये बोल दिया है कि इन जाओ जाके जो बची हुई क्रॉप्स हैं उनको ख़राब कर दो। ठीक है, पीपल अटैक द बेस्टाइल फोर्ट। पीपल ने क्या किया, इन एजिटेशन टू दिस, इन अपोजिशन टू दिस, उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक किया। र्यूमर स्प्रेड हो गई पीजेंस में कि मैन्योर को बोला गया है कि जाओ जाके क्रॉप्स को बर्न कर दो। ठीक है, नाउ होल कंट्री वॉज इन द मूड ऑफ रिवॉल्ट। और पूरी कंट्री क्या थी, पूरी कंट्री एक रिवॉल्ट के फॉर्म में थी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इसलिए इन सब का वो देखते हुए किंग ने क्या बोला, किंग लुई 16 ने बोला कि आई एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, मैं नेशनल असेंबली का प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दो जो टेनिस कोर्ट में फॉर्म हुआ था। मैं कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वेयर हिज पावर वुड बी लिमिटेड, जहाँ पे किंग की पावर लिमिट हो जाएगी। नाउ द नेशनल असेंबली हैड द पावर। अब क्या हुआ, पावर किस में हाथ में आ गई, नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, क्लर्गी से टिथीज, अब क्लर्गी से सारी पावर ले ली। टिथीज जो टैक्स वो पे करते थे उस किसको, चर्च को, वो अबॉलिश कर दिया, वो हटा दिया गया। लैंड ओन बाय द चर्च वॉज टेकन, जो चर्च लैंड ओन करती थी वो ले लिया गया। और इस तरीके से गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवरेज, और इस तरह से गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवरेज की असेट्स को एक्वायर किया। दिस वी सी फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, नेशनल असेंबली वॉज इन, व्हेन द नेशनल असेंबली वॉज बिजी ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंच की जो सिटी थी दैट वॉज इन टर्मोइल। सेवर विंटर की वजह से, जो बैड हार्वेस्ट की वजह से प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो गए। ठीक है, इसकी वजह से कंट्री साइड र्यूमर्स, किंग ने उनको बोला था
कि जाओ जाके फ्रांस को, कंट्री को देखो, ठीक है। किंग ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, एंड जिसकी वजह से र्यूमर्स वगैरह स्प्रेड हो गए क्या कि मेन्योर हायर द ब्रांड टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। पीपल ने इन सब चीज़ों को मिस इंटरप्रेट किया एंड देयर वॉज सिचुएशन ऑफ रिवॉल्ट विद इन द कंट्री ऑफ फ्रांस, विद इन द सिटी ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस में बहुत सारी ऐसी ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। सो नाउ इन सब चीज़ों को देखते हुए किंग ने क्या बोला, किंग फाइनली सेट ओके आई एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ द फ्रांस, और मैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने ड्राफ्ट किया है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो फ्रॉम हेयर क्या हो गया, किंग की जो पावर्स थी दैट वर बीइंग लिमिटेड, अब यहाँ से किंग की पावर लिमिट हो गई। जो टिथीज टैक्स था वो अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, चर्च से लैंड ले लिया गया, और ऐसे करके द गवर्नमेंट कलेक्टेड ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवरेज ऑफ असेट्स फ्रॉम द पीपल। सो दिस वॉज ऑल इन द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हम ये देखेंगे कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना विद लिमिटेड पावर ऑफ द किंग, ठीक है, जिसमें नेशनल असेंबली का रोल आएगा और किंग की जो पावर्स हैं वो लिमिट डाउन हो जाएंगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।